द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, ठीक ना। पहले ही प्रश्न में हमसे क्या भैया पूछा है, शुद्ध शब्द ना। तो पहले ही प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, शुद्ध शब्द। तो आपको बताना है कि कवित्री कैसे लिखा जाएगा, जो कि आप जानते हैं कि ये कवि का स्त्रीलिंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ठीक ना कॉपी और पेन के साथ ज़रूर बैठें। और एट लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये भी आपको बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, वार्डमय का आप क्या करेंगे भैया, संधि विच्छेद करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया है राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए। अर्धविराम के बारे में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका अर्धविराम चिन्ह है। तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, ठीक ना। अर्धविराम का चिन्ह ऐसे लगता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चार नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, ठीक ना, देखते हैं इसमें। कह रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया करने वाले का बोध हो तो उसे आप क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि उसे हम क्या कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कर्ता कारक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है, इसमें से आपको क्या बताना है भैया, कौन सा आपका तत्भव है। तत्भव आप जानते हैं कि वह शब्द होते हैं जो तत्सम का परिवर्तित रूप होता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, तो तत्भव कह देते हैं। तो उच्छाय ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी आपका विवाह हो गया, उत्साह हो गया, उत्थान हो गया, ये कैसे शब्द हैं तत्सम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, छः नंबर में कह रहा है दूध उजाला होता है, ठीक ना, ये काल किस काल का बोध करा रहा है। तो ये आपको बताना है, भविष्य, भूत, वर्तमान या इनमें से कोई नहीं। तो छः का जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें ठीक ना अस्पष्ट नहीं है, तो जो छः का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए सात नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सात नंबर, देवनागरी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपको बतानी है। तो कितने भैया स्वर होते हैं ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 11 स्वर हमारे होते हैं। कितने स्वर होते हैं भैया, 11 स्वर होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा देवनागरी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपको बताना है, व्यंजन का मतलब जो दो वर्णों से मिलके बने होते हैं, ठीक ना, उन्हीं को आप क्या कह देते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक ना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा ना, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। और कौन सा होता है, ज्ञान। तो तीन आप ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था, तो ज्ञान आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त होगा, आधा जा और ज्ञा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए दस नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दस नंबर में आपको क्या बताना है, भिखारी शब्द, अभिकारी बताना है। तो अभिकारी किसे कहते हैं, तो अभिकारी आप जानते हैं जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, अभिकारी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीछे, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति के अनुसार कौन सा कथन गलत है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन भैया गलत है, तो इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। हिंदी तरभाषी राज्य केंद्र सरकार से हिंदी में पत्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल बी वाला मैच नहीं कर रहा है, ठीक ना, इसका कोई मतलब है नहीं है ऐसे सेंटेंस, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, गलत होगा। तो चलिए
एन का प्राय आपको बताना है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11-12, ठीक ना, 11-12 साथ में ही है, तो 11-12 का बताते चलिए। तो आप जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गति, बिल्कुल सही जवाब होगा। एन का जो आपका प्राय होता हो क्या होगा भैया, गति, है ना। तितिक्षा का आपको बताना है, तितिक्षा का प्राय है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, क्षमा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इसमें विलोम पूछा गया है। सघन का विलोम आप जानते हैं कि सघन आप जिसमें कण पास पास होते हैं, विरल जिसमें कण दूर दूर होते हैं, ठीक ना, तो सघन का विरल ना। ऊर्ध्वगामी का आपको बताना है, तो आप जानते हैं कि ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या होगा, तो 15 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा अधोगामी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, फटाफट आप लोग बताते चलिए। अब इसमें आपको बताना है उच्चाटन का विलोम बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का, बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, समोहन, बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। तो 16 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट होगा। चलिए 17 का जिक्र कर लेते हैं। 17 में आपको बताना है प्राची का विलोम आपको बताना है, तो प्राची का विलोम कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, हाँ 17 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 16 का डी, हाँ बिल्कुल सही, ठीक ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्युहर, ठीक ना, आपको बताना है का अर्थ आपको बताना है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्धन आपका क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल 18 नंबर में आप लोग बताते चलिए, ठीक ना। चलिए 19 नंबर में आपको बताना है कि कौन सा आपका कथन सही है, तो ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, आप लोग बताइए कि इनमें से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 19 का क्या है भैया, कौन सा सही आंसर होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 नंबर में आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका मुहावरा सही है, ठीक ना, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये भी आप, ठीक, चलिए लड़की फूल कर गुप्पा हो गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, गुप्पा ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है वर्तनी के अनुसार, ठीक ना, शुद्ध का चयन कीजिए ना, तो सुषमा इसमें से कौन सा आपका सही है, वर्तनी के अनुसार सुषमा आप कैसे लिखेंगे, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए 22 से 23 नंबर तक आपको क्या बताना भैया, प्रत्यय के बारे में बताना है। 22 से 23 में आपको क्या बताना है, प्रत्यय बताना है। प्रत्यय आप जानते हैं शब्द के अंत में लगता है। घुमक्कड़ में आपको क्या बताना भैया, प्रत्यय बताना है, तो 22 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, अक्कड़, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। डिबिया में आप प्रत्यय बताते चलिए, तो डिबिया में जो प्रत्यय आपका होगा 22 का आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, और डिबिया में या आपका प्रत्यय है, क्योंकि आप जानते हैं छोटी ई है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका ए आपका क्या हो जाएगा, होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आप बताते चलिए, भिक्षुक, ठीक ना, तो भिक्षुक के लिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब होगा, उक ना भैया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा। समश्रु का तद्भव आपको बताना है, तो आप जानते हैं कि तद्भव जो हम बोल चाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन 25 का, ठीक ना, 24 का ऑप्शन नंबर सी और 25 का क्या हो जाएगा भैया, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के बारे में भी इस चैनल, ठीक ना, से जोड़िए, जिससे आगामी परीक्षाओं में उनको भी बेनिफिट मिल सके। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, ठीक ना, और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।